नमस्कार है दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे और सीखेंगे कि जो आपको इंजन दिख रहा है, तो इसके जो मेन पार्ट्स हैं या मेन कंपोनेंट्स हैं, उनके नाम क्या होते हैं और उनका काम क्या होता है। दोस्तों, काफ़ी सारे मैंने ड्राइवर और गाड़ी के मालिक देखे हैं जिससे मतलब उनको इस बेसिक सी नॉलेज नहीं होती, तो सर ये नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए ताकि कल को आप कभी भी गाड़ी रिपेयर करवाने जाएं तो आपकी गाड़ी में कौन सा पार्ट रिपेयर किया गया है, उसका क्या नाम है, क्या फंक्शन है, तो इतनी सी नॉलेज हमें होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे साथ कोई भी फ्रॉड ना कर सके। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो मैं 10 मिनट से पहले इस वीडियो को क्लोज़ करूँ। हल्का सा वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि नॉलेज उसी प्रकार की होगी, तो वीडियो का थोड़ा सा लेंथ यहाँ पे बढ़ सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको कंपोनेंट दिख रहे हैं, काफ़ी सारे पार्ट्स का जाल सा बिछा हुआ है। तो दोस्तों, ये जाल क्या है मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप में आपको बताते चलूँगा और आपने समझते जाना है और ध्यान में रखते जाना है। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा ताकि वीडियो आपको पूरी समझ आ सके। तो सबसे पहले आ जाइए यहाँ बैटरी। सबसे पहले दोस्तों, ये एक बैटरी होती है जिससे हमारी गाड़ी सेल्फ स्टार्ट होता है, जिससे हम यहाँ से करंट लेके जितने भी गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिक फंक्शन होते हैं, जितनी भी वायरिंग होती है, वो सारी काम करती है इसी बैटरी के थ्रू। इसी बैटरी के थ्रू हमारे सेल्फ स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप बैटरी पे दो पोस्ट दिखते हैं, दो यहाँ पे पॉइंट होते हैं जो कि एक नेगेटिव पॉइंट होता है और यहाँ पे दूसरा रेड कलर का आप दिख रहा है, ये पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो ये बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं। तो अगर कभी भी आपको मौका मिलता है बैटरी चेंज करने का, तो ध्यान रखें बैटरी जोड़ते समय नेगेटिव वायर नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव वायर हमेशा पॉजिटिव के साथ ही लगाएं ताकि बैटरी के साथ कोई हादसा ना हो। तो बैटरी का फंक्शन मैंने आपको मोटे मोटे बता दिए, जितनी भी गाड़ी में लाइटें चलती है। उसके बाद आइए, ये छोटी सी डिब्बी देख रही है, ये है ब्रेक फ्लूड कंटेनर, यानी कि ये ब्रेक, इसके अंदर ब्रेक फ्लूड रहता है। जो आप ब्रेक लगाते हैं गाड़ी में, तो यहीं से जो ब्रेक फ्लूड जाके आगे सिस्टम में जाता है जिससे हमारी गाड़ी में ब्रेक लगती है। उसके नीचे दस्ती ये मास्टर सिलेंडर है और उसके जस्ट पीछे आप देख रहे हैं ये वैक्यूम बूस्टर है। इसी वैक्यूम बूस्टर से आपके जो ब्रेक पैडल है बिल्कुल हल्का होता है, बल्कि हल्के से ब्रेक पैडल को प्रेस करने से जो है आपकी ब्रेक लग जाती है। और जहाँ पे छोटा सा एक रिले देख रहे हैं, जो आपको हेडलाइट का रिले है, इसी रिले के साथ हमारी जो हेडलाइट है वो अच्छे से काम करती है, उसकी लाइट हमें अच्छी पड़ती है। उसके साथ में ये वायर देख रहे हैं, ये हमारी क्लच केबल वायर है जो कि आप क्लच प्रेस करते हैं तो इसी वायर के थ्रू हमारा जो गियर चेंजेस इजली से आप कर पाते हैं। ये वायर हमारी सीधी गियर वॉक से अंदर जुड़ी होती है। और ये ब्रेक शू, ये ब्रेक हो गया। और जहाँ पे आ जाइए, ये है दोस्तों हमारा एयर क्लीनर, जहाँ कि इसके डब्बे के अंदर हमारा एयर क्लीनर होता है, यहाँ से ये हवा खींचता है। ये पाइप आप यहाँ से देख रहे हैं, ये पाइप आगे यहाँ से जाके एक छोटे से फेस रहता है इसका, यहाँ पे एक ओपन एरिया रहता है जहाँ से ताकि हवा आसानी से इसके अंदर से आ सके। जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, इंजन सक्शन पैदा करता है, तो यहीं से हवा आती है, इस डब्बे में अंदर आती है, इस डब्बे से होती हुई हवा इनलेट मैनिफोल्ड के अंदर चली जाती है। इसके अंदर एयर क्लीनर है, हवा यहाँ से साफ़ होती है, जो कचरा होता है उसके अंदर, यहाँ से हवा सीधी हमारी आगे सिस्टम में चली जाती है। तो ये एयर क्लीनर है हमारा। उसके बगल में आप देख रहे हैं, ये पूरा थ्रोटल बॉडी का एरिया है, जो जितने भी आप एरिया देख रहे हैं ये पूरा थ्रोटल बॉडी है। इसके अंदर इसमें दो तीन सेंसर भी लगे होते हैं। उसके बाद नीचे जहाँ से देखिए, इनलेट मैनिफोल्ड है, ये इसी रास्ते से हवा हमारे इंजन के अंदर चली जाती है। और ये थ्रोटल बॉडी है, ये छोटा साइड है जहाँ पर थ्रोटल बॉडी, जहाँ पर हमारा बटरफ्लाई वाल्व रहता है। जैसे ही आप एक्सीलेटर पैडल को दबाते हैं तो यहाँ पे ये मूवमेंट होती है, तो यहाँ पे एक थ्रोटल रहता है जो कि बटरफ्लाई वाल्व इस तरीके से कुछ मूवमेंट करता है, अप और डाउन करता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी को स्पीड मिलती है। तो ये हमारा आ गया थ्रोटल बॉडी, जो कि पूरा सिस्टम ये थ्रोटल बॉडी का काम करता है। उसके बगल में यहाँ पे आप सेंसर लगाओ, ये मैप सेंसर है, यहाँ पे इसके अंदर सेंसर भी लगे होते हैं। ये हमारा यहाँ पे आ जाइए, ये हमारा थर्मोस्टेट बॉडी है, या कि हम थर्मोस्टेट हाउसिंग भी कह सकते हैं। इसी के अंदर हमारा थर्मोस्टेट बाल्व रहता है जो कि हमारे टेम्परेचर को, गाड़ी के टेम्परेचर को मेनटेन रखने का काम करता है। उसके जस्ट नीचे आ जाएँ तो ये अल्टरनेटर है, ये बैटरी को चार्ज करने का काम करता है। इस अल्टरनेटर का काम होता है कि जो आपकी बैटरी है उसको टाइम टू टाइम चार्ज करता रहे। जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हमारा करंट बनता है, उसी करंट के थ्रू हमारी जो बैटरी चार्ज होती है। उसके नीचे तो यहाँ पे हमारी फैन बेल्ट है, इसी बेल्ट के थ्रू हमारे जो गियर्स आपस में लगे होते हैं, हमारा फैन घूमता है जिससे हमारा पानी ठंडा होता है। पानी यानी कि जो गाड़ी के अंदर जो कूलेंट होता है उसको ठंडा करने का काम करता है इसी फैन। और ये इसके अंदर जो फिंस रेडिएटर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूरा टाइमिंग बेल्ट का हाउसिंग है। इसके अंदर हमारी टाइमिंग बेल्ट रहती है, टाइमिंग गियर्स रहते हैं, यानी कैमशाफ्ट गियर, क्रैंक गियर, वाटर पंप गियर, ऑयल पंप गियर। और यहाँ पे हमारा वाटर पंप रहता है, ये हमारी जो पुली है, यहाँ पे हमारा फैन बेल्ट लगी हुई है। तो ये हमारे इसके जस्ट पीछे आपको ये खोलूँगा तो पूरा यहाँ पे हमारे गियर्स ही गियर्स आपको मिलेंगे, जो कि गाड़ी में अलग अलग गियर भी होते हैं, टाइमिंग गियर होते हैं, बाकी गियर वॉक्स वाले गियर अलग होते हैं, टाइमिंग गियर अलग होते हैं। तो ये हमारी इंजन ऑयल फिलअप करने की कैप है, इस जहाँ यहीं से हम खोल के इंजन ऑयल को फिलअप करते हैं। तो ऊपर का ये हमारा इंजन का हेड है, जिसको हम
हेड कह सकते हैं, क्योंकि ये सबसे टॉप में होता है, जैसे हमारे सिर सबसे ऊपर होता है, हेड कहते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे हेड है। तो ये हमारी इग्निशन कॉइल्स हैं जो कि करंट सप्लाई करने का काम करती हैं स्पार्क प्लग को। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस इग्निशन कॉइल के नीचे जस्ट स्पार्क प्लग रहता है। यहाँ पे टोटल चार सिलेंडर गाड़ी है, तो इसके अंदर चार स्पार्क प्लग हैं, एक स्पार्क प्लग इसके अंदर है, एक यहाँ पे है, तो एक यहाँ पे है और चौथा यहाँ पे, यानी टोटल चार स्पार्क प्लग हो गए। तो ये अपनी इलेक्ट्रिक वायर भी कपलर लगे हुए हैं जो कि बैटरी से कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पे करंट की सप्लाई करते हैं। तो उसके बगल में आ जाएं तो ये हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, यानी कि जहाँ से जितना भी हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम होता है, जो गाड़ी का धुआं होता है, यहीं से आउट होता हुआ हमारा, वो नीचे आप देख रहे हैं साइलेंसर की पाइप जुड़ी हुई है, जो रेड कलर की, हल्की से रेड कलर की आपको दिख रही है। तो यहाँ से हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड शुरू हो जाता है। अभी आ जाइए, रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये हमारा ऑयल फिल्टर है, तो जो कि ऑयल को फिल्टर करने का काम करता है। और ये हमारे इस गाड़ी में एसी बिल्डअप है, यानी कि एसी मॉडिफिकेशन हो रखा है। तो ये एसी की बेल्ट है और एसी का कंप्रेसर है। ये बेल्ट हमारी जो कि क्रैंकशाफ्ट गियर से ड्राइव लेके जो एसी के कंप्रेसर को चलाती है, जिसकी वजह से ये पाइप्स हमारी, बाकी सीधा पाइप्स हमारी गाड़ी के अंदर जो कि एसी वेंट में चली जा चुकी हैं, जहाँ से होल करके, क्योंकि एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन है, जिप्सी में एसी आता नहीं है। तो ये हमारा चारकोल इग्निस्टर है, जो कि एक हमारा माइलेज बूस्टर का काम करता है। जो भी पेट्रोल के वेपर बनते हैं, जो कि गाड़ी चलती है हिलती तो वेपर बनते हैं, तो इसमें आके इकट्ठे होकर जरूरत पड़ने पर हम गाड़ी में गाड़ी अपने अंदर ले लेते हैं। जो जैक है, जो कि हमारा जैक आपको, जो कि जब भी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए या रास्ते में कुछ भी आपको गाड़ी को जैक करने की जरूरत पड़े, तो इस जैक को आप हैंडल, इसका गाड़ी के जिप्सी जो ड्राइवर शीट होती है उसके नीचे इसकी हैंडल रखने की जगह बनी रहती है, वहाँ से इसको निकाल के आप इस जैक को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं बड़े आसानी से। और अपनी कोई भी गाड़ी में रास्ते में आपको दिक्कत आए या टायर पंचर, तो वो अपना सिस्टम आप ठीक कर सकते हैं। तो ये जैक हो गया। अभी उसके बाद यहाँ पे एक वाटर का कंटेनर है, इसके अंदर पानी रहता है। ये पानी जब भी आप अपनी विंड स्क्रीन, यानी कि फ्रंट का जो शीशा होता है, जहाँ से हमें ड्राइवर को और बगल वाले ड्राइवर को जो कि बाहर दिखता है, यानी कि को ड्राइवर जो होता है उसको बाहर दिखता है, तो उसी को साफ। और ये वाला जो आप कंटेनर देख रहे हैं, ये स्पेयर कंटेनर रहता है, जो कि जिसके अंदर स्पेयर कूलेंट रहता है, जो कि जरूरत पड़ने पर सिस्टम गाड़ी का अपने आप अपने अंदर खींच लेता है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों अंदर थोड़ा कैमरा डीप करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दो बोल्ट लगे हुए हैं, यहाँ पे ये माउंटिंग पैड कह सकते हैं इसको, ये लेफ्ट साइड का माउंटिंग पैड है जिसके ऊपर हमारा इंजन माउंट रहता है, यानी कि इसी के ऊपर पूरा इंजन बैठा होता है। दोनों साइड होते हैं, एक लेफ्ट साइड होता है, दूसरा राइट साइड होता है। ये राइट साइड वाला, ये आपको क्लियरली दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से देखिए, ये इंजन माउंटिंग पैड है राइट साइड वाला, जो कि चार बुलेट के साथ जुड़ा होता है, यानी कि हमारा जो इंजन होता है पूरा लोड इसके ऊपर रहता है। उसके बगल में जो आप ऑयल फिल्टर देख पा रहे हो, और ये एक छोटा सा पॉइंट आप जो देख रहे हैं, ये ऑयल सेंसिंग यूनिट है दोस्तों। जैसे गाड़ी के अंदर ऑयल का प्रेशर चेक करने के लिए जो ऑयल सेंसिंग यूनिट है, ये हमारा इंडिकेशन करता है डैशबोर्ड में आपको ऑयल से कंसर्न, अगर कोई गाड़ी में कोई फॉल्ट आ रहा है तो ये। तो मोटा मोटा दोस्तों यहाँ पे हमने समझा कि इंजन के पार्ट्स को। अभी जहाँ पे मैं आप दिखाता हूँ, ये डीप सिक देख रहे हैं, जहाँ से हम ऑयल के लेवल को चेक कर सकते हैं। जहाँ पे आप इस तरीके का अगर जो मैकेनिज्म रहता है, ये ऑयल के लेवल को चेक करने के लिए होता है, तो इसको दोस्तों जरूर टाइम टू टाइम अपने ऑयल के लेवल को चेक करें, ताकि आपकी गाड़ी में मैक्सिमम ये फॉल्ट आता है कि गाड़ी में ऑयल कम होने के चांसेस रहते हैं। जहाँ पे आप ये एयर क्लीनर के साथ आप ये छोटा सा सेंसर लगा होता है, जिसको IET सेंसर कहते हैं, ये TP सेंसर जो कि थ्रोटल पोजीशन सेंसर होता है, और इसके नीचे आ जाएँ तो ये ISC मोटर है, यानी आइडल एयर कंट्रोल मोटर। जब आप आइडल स्पीडिंग या इनिशियल स्टार्ट करते हैं, तब ये गाड़ी को हवा देने का, एयर देने का सप्लाई का काम करती है। तो ये मैप सेंसर, यानी कि मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, जहां पे ये CMP सेंसर, यानी कि कैम शॉट पोजीशन सेंसर, और यहां पे ये ECT सेंसर, यानी कि इंजन कूलर टेम्परेचर सेंसर, और उसके बाद जहाँ पे आ जाइए ऑक्सीजन सेंसर है। तो मेनली इसमें, इसके अंदर सात सेंसर है, ऑक्सीजन सेंसर, जो O2 सेंसर भी बोल सकते हैं हम इसको शॉर्ट में, जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के साथ लगा होता है। और जहाँ पे इसका वायरिंग कपलर है, ये हमारा जो इंजन है, इंजन के जस्ट बैक साइड में आप आ जाएंगे, जहाँ पे हमारा इंजन नंबर माउंट रहता है, इंजन नंबर लिखा रहता है। उसके पीछे आप जो गियर बॉक्स की असेंबली शुरू हो जाती है, यहाँ पे हमारा फ्लाई व्हील रहता है, यहाँ पे हमारे क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट रहती है, यहीं से हमारी जो इंजन की पावर है वो इंगेज और डिसइंगेज रहती है। तो दोस्तों ये मोटा मोटा हमारी जो ये पाइप रह गई थी, ये हमारी सक्शन पाइप है, जो कि जो कि अपनी थ्रोटल बॉडी के अंदर लगी रहती है। और ये हमारी फ्यूल रिले है, जिसके अंदर हमारा फ्यूल का प्रेशर मेंटेन रहता है, तो काफ़ी प्रेशर मेंटेन रहता है। यहाँ पे हमारे इंजेक्टर हैं, कि इन इंजेक्टर की हेल्प से ही गाड़ी के अंदर फ्यूल को इंजेक्ट कराया जाता है, जिससे हमें पावर स्टॉक मिलता है। तो ये हमारे दो हुक्स ही दिख रही है आपको, जो कभी हमें इंजन जहाँ से उठाना हो, तो यहाँ पे हम किसी भी हुक को लगा के इंजन हम बाहर उठा सकते हैं।